दोस्तों, आज हमारे देश में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मेरे को हेल्प करो ना आंटी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लोग आज के समय में महिलाएं घर के बाहर तो क्या, अंदर भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो शौर्यपूर्ण इतिहास भी हमारे ही देश का रहा है, जिसमें महिलाओं की वीरता और बलिदान की कई गाथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। इस देश में सिर्फ झांसी की रानी ही अकेली मर्दाना नहीं थी जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा, बल्कि हमारे देश में एक ऐसी वीर रानी भी हुई है जिसे परिवार वालों ने त्याग दिया, लेकिन उसकी चालाकी और समझदारी ने अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महिला की जिसे कश्मीर की चुड़ैल रानी भी कहा जाता था। दोस्तों, भारत का इतिहास राजाओं और महारानियों की शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन आज हम जिस वीरांगना रानी की बहादुरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, हमारे देश में आज भी महिलाओं को कमजोर समझा जाता है और उनकी सुरक्षा राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में एक कोना तलाश कर रही होती है। और पिछले एक दशक से भी अधिक समय से संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण तक नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही देश में एक लंगड़ी रानी थी जिसने अपने लंगड़ेपन को कमजोरी नहीं अपनी मजबूती बनाया, देश पर राज किया और महमूद गजनवी जैसे लुटेरों को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार देश से खदेड़ दिया। दोस्तों, ये वीरांगना थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जिनके बारे में ना तो बहुत कुछ पढ़ा गया है और ना ही बहुत कुछ सुना गया है। दोस्तों, दिद्दा इतनी चालाक रानी थी कि वह चंद मिनटों में बाजी पलट दिया करती। आज जिस सेना के कमांडो और गुरेला वॉरफेयर पर दुनिया चालाकी की जंग लड़ती है, वह इस लंगड़ी रानी की ही देन है। आपको शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन 35,000 की सेना को सिर्फ 500 लड़ाकों की मदद से इन्होंने 45 मिनट के अंदर ही हरा दिया था। इतिहासकार मानते हैं कि रानी दिद्दा का अपने दुश्मनों को मारने का तरीका बड़ा ही क्रूर था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मैसेज देती थी कि उनकी रियासत के अंदर घुसने वालों का क्या अंजाम हो सकता है। ये वही महान नायिका है जिसके पति ने अपने नाम के आगे पत्नी दिद्दा का नाम लगाया और दिद्दा शेमा गुप्ता के नाम से जाना गया। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश महानायकों का देश है, लेकिन इस देश में कई महिला महानायक भी रही हैं। दोस्तों, कश्मीर की रानी दिद्दा को इतिहास के पन्नों में चुड़ैल रानी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा भी नतमस्तक रहे थे। इन्हीं हारे हुए राजा महाराजाओं ने अपनी मर्दानगी छिपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल कहना शुरू किया और फिर दिद्दा चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, जब दिद्दा के पति शेमा गुप्ता की मृत्यु हुई तो सत्ता हासिल करने के लिए दुश्मनों ने उसे सती प्रथा का हवाला दिया और सती करने के लिए दिद्दा से कहा गया, लेकिन उसने पूरी चाल ही बदल दी और शेमा गुप्ता की पहली पत्नी को सती करवा दिया। साथ ही अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी हासिल की और 50 वर्षों तक शासन भी किया। ये वही दिद्दा है जिनकी कहानियां भले ही इतिहास के पन्नों में धुंधली सी हैं, लेकिन आशीष कौल की एक किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के बहाने इसे फिर से जिंदा कर दिया गया है और भारतीयों को एक बार फिर अपने इतिहास पर गर्व करने का मौका दिया है। इस किताब ने कश्मीर की रानी दिद्दा के रूप में वो महानायिका दी है जिसने अपनी शर्तों पर अपने बनाए नियमों के अनुरूप पुरुषवादी इस समाज को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि कई मौकों पर ठेंगा भी दिखाया। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि ऐसे करिश्माई महिला के हाथ शासन की बागडोर रही तो उसका जिक्र इतना धुंधला क्यों रहा और किसी को दिखा क्यों नहीं। विचारकों का इस बारे में कहना है कि निश्चय ही इस पुरुषवादी समाज ने उस वीरांगना से मौके पर मिली हार के बदले में उसकी वीरता की कहानी को इतिहास से इस कदर ओझल कर दिया कि वो सिर्फ एक चुड़ैल रानी ही बनकर कहीं गुम हो गई। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थी दिद्दा रानी। लोहार राजवंश में जन्मी एक खूबसूरत नन्ही बच्ची को उसके माँ बाप सिर्फ इसलिए त्याग देते हैं कि वो अपंग पैदा हुई। नौकरानी का दूध पीकर बली बड़ी वो लड़की अपने अपंग होने को बाधा ना मानते हुए युद्ध कला में पारंगत हुई और तरह तरह के खेलों में निपुणता हासिल की। एक दिन शिकार के दौरान कश्मीर के राजा शेमा गुप्ता ने जब उस खूबसूरत राजकुमारी दिद्दा को देखा तो पहली ही नजर में दिल दे बैठे। ये जान लेने के बाद भी कि दिद्दा लंगड़ी है, राजा शेमा गुप्ता ने उससे ब्याह रचाया और दिद्दा की किस्मत एक तरह से पलटी खा गई। उसे पति का प्यार, मान सम्मान, पुत्र रत्न तो मिला ही, साथ ही उसने शेमा गुप्ता के राजकाज में भी भागीदारी निभाना शुरू कर दिया। इस भागीदारी के सम्मान में राजा शेमा गुप्ता ने
अपनी पत्नी दिद्दा के नाम पर सिक्का भी जारी किया। एक दिन शिकार के दौरान शेमा गुप्ता की मृत्यु होते ही दिद्दा की जिंदगी उस दौराहे पर खड़ी थी, जहां एक तरफ पति की मृत्यु का दुख था और वहीं दूसरी तरफ सती हो जाने की परंपरा थी। एक नन्हे राजकुमार के राजपाट संभालने लायक होने तक उसका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी भी दिद्दा पर ही थी। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि कैसे समय समय पर दिद्दा ने पुरुष प्रधान समाज के बने बनाए नियम तोड़े और अपने खुद के नियम बनाए। दोस्तों, दिद्दा की जीवन यात्रा उस दिलचस्प मोड़ से गुजरती है जहां दुनिया की प्रथम कमांडो सेना बनने की शुरुआत हुई, तो वहीं वो जिस बेटे के लिए जीवित रही उसके द्वारा ही महल से निकाला जाना, उसके बावजूद लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहना, मंदिरों का निर्माण करवाना, सारे एशिया के साथ व्यापार, खंड भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए रणनीति बनाना, इस सब के बीच उस खूंखार महमूद गजनवी का भी जिक्र आता है जिसके हिंदुस्तान में प्रवेश करने के बाद जो बर्बादी हुई उसका अपना एक लंबा इतिहास है। सोमनाथ मंदिर लूटने वाले और कई शहरों को तहस नहस करने वाले गजनी को दिद्दा ने अपनी रणनीति से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार भारत में घुसने से रोका और युद्ध में हराया है, जिसके बाद ही उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा और उसने गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। दोस्तों, एक के बाद एक कई युद्धों के प्रसंगों के बाद रानी दिद्दा एक ऐसी वीरांगना थी जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता को एक अच्छा राज्य भी दिया। सच पूछिए तो रानी दिद्दा की ये कहानी आज के जमाने में और भी प्रासंगिक तब हो जाती है जब बहुत सी महिलाएं अपने संघर्ष भरी यात्रा के बाद सत्ता और ऊंचे पदों पर न सिर्फ बैठ रही हैं, बल्कि अपनी काबिलियत से दुनिया को चौंका भी रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1200 साल पहले रानी दिद्दा ने किया था। दोस्तों, कंगना रनौत की बॉलीवुड फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स रानी दिद्दा की इसी कहानी से प्रेरित है। तो अगर आपको भी इस फिल्म का इंतजार है या फिर आप क्या सोचते हैं रानी दिद्दा के बारे में, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें द मिस्टिकालैंड यूट्यूब चैनल को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।